किडनी के अलावा और भी कुछ ऑर्गेन्स है जो एक्सक्रीशंस में इन्वॉल्व है, जिसमें एक है, पहला नंबर है तेरा लंग्स, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड्स को एंड वाटर को रिमूव करता है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड्स को? तो 200 ml पर मिनट रिलीज करता रहता है। दूसरा आ गया लीवर, तो डाइजेशन में भी लीवर के बहुत सारे फंक्शन देखा होगा। ये सिक्रीट करता है किसमें? बाइल को, बाइल के फॉर्म में, जैसे बिलीरुबिन, बिलीबडीन्स, कोलेस्ट्रॉल्स, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स, वाइटमिन्स, ड्रग, इन सब को रिलीज करता है। तो ये जो वेस्टेज है बॉडी में उनको ये रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल। मोस्ट ऑफ देम पास कहाँ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा तुम्हारा। तीसरा इसमें ऑर्गन है स्किन, तो स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसिस ग्लैंड फॉर्म होता है। तो स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है पसीना, उसमें वाटर, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या होता है? बॉडी से रिलीज हो जाता है। और स्वेटिंग जो होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कूलिंग करना बॉडी को, टेम्परेचर, जब भी गर्मी लगेगा तभी पसीना आता है, उससे क्या होता है बॉडी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दूसरा सेबेसियस ग्लैंड्स दैट एलिमिनेट द स्टेरॉल्स, मतलब ये भी क्या होगा, जो डेरिवेटिव फैटी सब्सटेंसेस होता है उनको रिलीज करता है। साथ में हाइड्रोकार्बन, वैक्स, इन सबको क्या करता है? रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ या थ्रू द सीबम, ठीक है ना। सीबम ऑयली सिक्रेशन जो होता है, सीबम क्या होगा? प्रीवियसली प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ द स्किन्स होता है, इसको रिलीज कर देता है। इसके अलावा तुम्हारा स्किन के साथ इसमें चौथा है, जैसे तेरा सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स क्या होता है बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो किडनी के अलावा ये भी कुछ पार्ट हैं जो कि एक्सक्रीशंस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में यहाँ पे जैसे है, पहला नंबर है तुम्हारा यूरेमिया, ध्यान में रखना यूरेमिया। यूरेमिया क्या है तुम्हारा? यूरेमिया अगर मान लो किसी वजह से हम लोग के ब्लड में यूरिया एकुमुलेट होने लगता है, तो एकुमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, इट मे बी लीड टू द किडनी फेलियर, रेनल फेलियर। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसे यूरिन को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, यूरिन को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हेमोडायलिसिस कर सकते हैं, या अगर मान लो बहुत सीवियर कंडीशन होगा तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। दूसरा इसमें डिसऑर्डर है रेनल कैलक्यूली। रेनल कैलकुलीज का मतलब होता है किडनी में स्टोन हो जाना, स्टोन और इनसोलबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, एक्सलेट किसके साथ? कैल्शियम के साथ सॉल्ट बनाता है कैल्शियम ऑक्सलेट, और ये किडनी में किसी भी जगह पे स्टोर हो जाता है, जैसे पेल्विस रीजन में हो जाए या मेजर या माइनर कैलेक्स में स्टोर हो जाए, है ना, तो वहाँ पे स्टोन बन जाता है, जैसे किडनी में फिल्ट्रेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तीसरा उसमें ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाइज का जो इन्फ्लामेशन उसको बोलते हैं। आइटिस कहीं भी लगा दो तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो ये किसी बैक्टीरियल, वायरल या किसी पर्टिकुलर ड्रग की वजह से भी हो सकता है इन्फ्लामेशन, किसमें? ग्लोमेरुलाइज पार्ट में इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब एक्सेस यूरिन, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन्स, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन्स, ठीक है। देखो इसका पीछे जो रीजन है, रीजन तो देखो बहुत ज़्यादा सॉलिड तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मोर यूरिन फॉर्म टेक प्लेस ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ ADH, ADH के लेस सिक्रेशन के वजह से बन सकता है, ठीक है ना। और ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ ADH अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन यूरिया, सो द पेशेंट फील द थ्रस्टी अगेन एंड अगेन, दिस इज कॉल्ड द डायबिटीज इंसिपिडस, इसको बोलते हैं तुम्हारा डायबिटीज इंसिपिडस, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे बोला था ना डायरोसिस, तो लॉस ऑफ वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर के फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होगा, यूरिन ही ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा यूरिन, तो पॉलीयूरिया। तो ये एक सिम्टम हो गया इसका, किसका? डायबिटीज इंसिपिडस का वन ऑफ द सिम्टम्स हो गया। ग्लाइकोस्यूरिया पहले भी आ चुका है, एक्सेस ग्लूकोज अगर ब्लड ब्लड में है तो वो क्या होगा, यूरिन में भी पास होगा, तो इस वजह से यूरिन में भी क्या ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। दिस साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डायबिटिक्स मेलिटस, मतलब डायबिटीज वाला जो है ना शुगर पेशेंट जिसको बोलते हैं उसका प्रॉब्लम है, और दिस इज कॉल्ड द मेनली ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। ADH, ADH एडिनल एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, ये कहाँ से? इसको वेसोप्रेशन कहते हैं, हाइपोथैलमस बनाता है और रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये सारे डिसऑर्डर हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हेमोडायलिसिस। तो अगर मान लो किसी पेशेंट्स को क्या है, उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया है, तो उसे रिमूव करना है, तो
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इन पेशेंट विद यूरेमिया कंडीशंस, यूरेमिया अगर है तो, है ना। तो इसके लिए हमें क्या कहते हैं, एक डायलाइजिंग यूनिट होता है, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इस आर्टिफिशियल किडनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना होता है, सेलोफेन ट्यूब होता है, ठीक है। और इसी का काम होता है कि जो भी ब्लड प्लाज्मा में एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करना होता है। साथ में रिमूव करने के लिए हमें एक डायलाइजिंग फ्लूड भी बनाना होता है। तो डायलाइजिंग फ्लूड, जैसे ये मान लो कि यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन, इधर क्या है तेरा, इसमें ये है तेरा डायलाइजिंग फ्लूड है, ठीक है, और इस साइड में ब्लड है। तो ऑब्वियसली यूरिया यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो इस यूरिया को हमें कहाँ पे भेजना है, इस डायलाइजिंग फ्लूड में। तो यूरिया में अगर ये डायलाइजिंग फ्लूड में है ही नहीं तो ये क्या होगा, सिंपल ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन्स किसी भी थ्रू, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा तुम्हारा, ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि यहाँ के स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बीच में आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन्स के थ्रू जो भी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज हैं वो अल्टीमेटली डायलाइजिंग फ्लूड में चला जाता है, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो एक ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है जिसको क्या कहता है, एकदम क्वाइल्ड होता है, जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या होगा, फिल्टर हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो जब भी हम क्या करेंगे, पेशेंट्स के बॉडी से जब ब्लड ड्रेन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसमें हेपरिन मिक्स कर देते हैं, और एक पंप के थ्रू डायलाइजिंग यूनिट में इसको सेंड किया जाता है, जहाँ पे क्वाइल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पोर ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरह मूव करता है, एज द नाइट्रोजन वेस्ट इज अब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्रूट द सबसिक्वेंटेड क्या होता है, फ्रीली मूव आउट, अदरवाइज द क्लियरिंग द ब्लड, ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। द प्योरीफाइड ब्लड क्या करेंगे, पंप बैक टू द पेशेंट के बॉडी में वापस भेज देंगे उसके वेन में, ठीक है ना, आफ्टर द एडिंग द एंटी हेपरिन्स टू इट। तो एंटी हेपरिन्स यूज करके, एड करके उसको वापस ब्लड को भेज देंगे पेशेंट के बॉडी में, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता होगा, देखो ऐसे ये पेशेंट्स का ब्लड आया, ठीक है, और ये ब्लड को हम लोगों ने पंप कर दिया एक यहाँ पे, ये डायलाइजिंग यूनिट होता है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से क्वाइलिंग, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, समझे, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और ये फिर वापस, और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इस जगह से पर्टिकुलरली इस जगह से क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूड डालेंगे और यहाँ से ड्रेन कर लेंगे, तो नीचे से ऊपर तक क्या जाएगा, ये गंदा होता चला जाएगा, और यहाँ से जो भी यूरिन है बाहर निकलता चला जाएगा, और जो भी अदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है सब बाहर निकलता चला जाएगा। तो ये डायलाइजिंग फ्लूड कंटामिनेटेड हो जाएगा, गंदा होता चला जाएगा, बट ब्लड जो होता है वो प्योर होता जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये ब्लड वेसल्स नहीं, यही सेलोफेन मेम्ब्रेन है जिसको फिल्टर कर रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन और उसमें फ्रिक्वेंटली डायलाइजिंग परफॉर्म नहीं किया जा सकता पेशेंट में, तो उस केसेस में अल्टीमेट जो उपाय होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही कर दिया जाए, ठीक है। तो अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ द एक्यूट रेनल फेल्योर द फंक्शनल किडनी इज टेकन फ्रॉम द डोनर। और इसमें हम चाहते हैं कि डोनर का जो किडनी है उस पेशेंट में रिजेक्ट ना करे, तो वी हैव टू यूज़ द एम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स को यूज़ किया जाता है, है ना, क्लोज रिलेटिव टू द मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। तो इसमें कोशिश किया जाता है जो डोनर है वो क्लोज रिलेटिव हो, जिससे रिजेक्शन का चांसेस कम रहेगा, और दूसरा जब भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इम्यूनो सप्रेटिव ड्रग यूज़ किया जाता है तुम्हारा, ताकि उसमें रिजेक्शन ना हो, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर रिजेक्शन जो होता है वो रिजेक्शन ना हो। तो कोई भी एम्यूनो सप्रेसिव ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब किया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है खत्म।